लास्ट टर्म पे इंग्लिश मीडियम में फिजिकल केमिस्ट्री में लेसन नंबर फर्स्ट आपका जो क्लोराइडियल सोल्यूशन है उसका टॉपिक थर्ड पढ़ाने आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लोराइडियल सोल्यूशन, क्लोराइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी जो होती है जिसे नंबर है फिजिकल प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी, कोलोरेटिव प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद आया आपका आई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है। क्लोराइडियल सोल्यूशन इज द हेटरोजीनियस सिस्टम इन विच द डिस्पर्सिव मीडियम डिस्पर्स फेज इज प्रेजेंट। हेटरोजीनियस होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि डिस्पर्सिव मीडियम डिस्पर्स फेज को अलग कर सकते हैं, विलायक और विलेय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग कर सकते हैं। ब्राउनियन मोशन आया जो कि एक काइनेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। तो इन द क्लोराइडियल सोल्यूशन क्लोराइडियल पार्टिकल मूव्स इन ज़िगज़ैग मोशन। फर्स्टली साइंटिस्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड इट ऑन हिज नेम, इट इज कॉल्ड द ब्राउनियन मोशन। अकॉर्डिंग टू द ब्राउनियन दिस मोशन इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कोलिजन ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स मीडियम ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द क्लोराइडियल पार्टिकल एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। देखिए जैसे ये आपका जो है ये आपका सल्यूट के पार्टिकल है ना, पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्सिव फेस, और जब डिस्पर्सिव मीडियम यानी कि कोई विलायक इस पर जो है कोलाइड करता है ना, कोई सॉल्वेंट का पार्टिकल कोलाइड करता है तो ये फिर ऐसे जाता है, फिर कोई टक्कर मारता ऐसे चला जाता है, फिर टक्कर मारता ऐसे चलाता है, तो ये जो पार्टिकल है इनमें कोई टक्कर मारता है तो ज़िगज़ैग जो आपका जो दिया हुआ है ज़िगज़ैग मोशन में वो ज़िगज़ैग पार्ट पर वो मोशन करता है, इसी को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। उसके बाद आ जाइए अकॉर्डिंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन द साइज ऑफ द क्लोराइडियल पार्टिकल, जब क्लोराइडियल पार्टिकल का अगर साइज ज़्यादा हो जाए एंड या तो फिर आल्सो इन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, और मीडियम का विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाए तो दिस मोशन बिकम्स लेस, ये मोशन कम हो जाता है, क्योंकि तो जब पार्टिकल बड़ा हो जाएगा ठीक है तो इसको टक्कर इस पर जब टक्कर पड़ेगा तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भाई कोई भारी चीज़ को टक्कर मारो तो थोड़ा सा ही थोड़ा सा आगे पीछे होती है, जब हल्की चीज़ को टक्कर मारोगे तो बहुत तेज आगे पीछे होती है। और विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, अगर कोई सोल्यूशन इतना ज़्यादा गाढ़ा है ठीक है तो गाढ़ा का मतलब होता है कि विलायक और जो सॉल्वेंट में जो हमारे बीच सॉल्वेंट के बीच का जो एरिया है मतलब की जगह कम हो जाती है, हल्का होता है दूर दूर होते हैं तो उसमें तो विलेय के पदार्थ क्या हो जाते हैं गति कर लेते हैं, मोशन में आ जाते हैं। लेकिन जब विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, जब उसमें जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा गाढ़ा होगा तो अब उसमें जो है विलायक यानी कि सॉल्वेंट यानी डिस्पर्सिव मीडियम के पार्टिकल जब उसको विलेय पदार्थों को यानी सल्यूट को जब कोलाइड करेंगे टक्कर मारेंगे तो उनको कोई ज़िगज़ैग मोशन में गति नहीं कर पाएंगे, मोशन में नहीं आ पाएंगे। दिस मोशन कैन बी एक्सप्लेन बाय द डिटेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट रे कमिंग फ्रॉम द एनी होल ऑफ द डार्क रूम। हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कमरे में अंधेरे कमरे में छोटे कोई छेद से प्रकाश आ रहा है, कोई लाइट आती है तो हम देखते हैं कि उस लाइट के रास्ते में बहुत से जो है हमारे धूल के ठीक है डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो मोशन करते रहते हैं। तो उसकी वजह यही है हवा की वजह से, हवा के कलों की वजह से ठीक है वो पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ज़िगज़ैग मोशन में गति करते हैं। यही ब्राउनियन गति का एग्जाम्पल है, ब्राउनियन मोशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अब आ जाइए कोलोकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए कोलोकेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ये जो है क्लोराइडियल सोल्यूशन या किसी भी सोल्यूशन के नंबर ऑफ सल्यूट डिस्पर्सिव फेस पर डिपेंड करती है ठीक है। तो आपकी चार प्रॉपर्टी होती है जैसे प्रेशर वो परासरण दाब ऑस्मोसिस प्रेशर होता है ठीक है, क्वथनांक मुन्नयन आपका एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ये आपका जो है इन जो विलियन एक चैप्टर होगा सोल्यूशन उसमें वो पूरा डिटेल से दिया होगा ठीक है। अब केवल उसको यहाँ पे ऐसे पढ़ना है। अब आ जाओ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो हमारी होती है कि अगर आप अगर हम जो है क्या करते हैं जैसे एक पात्र में एक बर्तन में एक वेसल्स में हम एक रियल सोल्यूशन ले लेते हैं और उसको अंधेरे कमरे में जब लाइट पर रोशनी डालते हैं तो इस पूरा प्रकाश आर पार निकल जाता है, इस पर किसी तरह का कोई भी फिगर नहीं बनता है। लेकिन जब इसको क्लोराइडियल सोल्यूशन से गुजारते हैं पासेस शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके कलर जो क्या होते हैं, इसके कलर जो होते हैं क्लोराइडियल कलर जो है थोड़ा बड़े होते हैं रियल सोल्यूशन के पार्टिकल से, तो वो इसको क्या कर देते हैं प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, थोड़ा सा फैला देते हैं, जिससे एक दो प्रकाश के जो रास्ते में दो शंकु बन जाते हैं ठीक है, दो कोण बन जाते हैं ठीक है।
इसी को हम, चूँकि कोलाइडल सोल्यूशन से ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, इसी को हम कोलाइड इफेक्ट बोलते हैं, अब तक कोलाइडल सोल्यूशन बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। और टिंडल ने सबसे पहले इसके बारे में फाइंड आउट किया था, इसको आप पढ़ लेंगे। ये आपका टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट हो गया, इससे क्वेश्चन सर लगाइएगा। नेक्स्ट टाइम पर आपको हम कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक के साथ साथ लास्ट के 3 टॉपिक के क्वेश्चन सर बताएँ।